हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए आपको क्या गिवन है, फिगर से आपको क्या क्या क्लियर हो रहा है। सबसे पहले जो चीज हमें पता चल रही है हमें वो देखनी है। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल्स के क्वेश्चन के अंदर, ज्योमेट्री क्वेश्चंस के अंदर जब भी आपको कोई चीज गिवन होती है उसका हमेशा यूज होता है टू सॉल्व। ठीक है, आपको सॉल्व करना है तो उसका यूज जरूर होगा। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, ये आपका पी क्यू है एंड दैट इज परपेंडिकुलर ऑन पी एस, यानी कि आपकी एक इस तरीके से आपकी कोई लाइन है। ठीक है, और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी ये जो एंगल बना ये कितने का बन गया है, ये 90 डिग्री का बन गया क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये कितने का बन गया, 90 डिग्री का, अगर आप इसे घुमा के देखें तो। उसके बाद पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल है, ये आपकी लाइन पी क्यू है। ठीक है, और ये आपकी एस आर है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, ये देखिए ये पी क्यू है और ये एस आर है, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर ऐसे जा रही है। राइट, एंगल एस क्यू आर, दिस वन इज योर एस क्यू आर, सॉरी एस क्यू आर, ये वाला जो एंगल है ये आपको 28 डिग्री गिवन है। एक तो आपको ये चीज गिवन है, दूसरा ये गिवन है। ठीक है, क्यू आर टी इज 65 डिग्री, क्यू आर टी ये आपका कितना है, 65 डिग्री है, तो ये एंगल आपको गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक तो एक्स निकालना है, दूसरा आपको वाई निकालना है, ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले जो जो चीज आपको गिवन है हम वो देखते हैं। पहली बात, जब भी आपकी कोई दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, और कोई ऐसी लाइन है आपके पास जो इसे कट कर रही हो, जैसे ये पी है, क्यू है, एस है, आर है। ठीक है, एक मिनट मैं इसको जरा, ठीक है, ये आपका एस है और ये आपका आर है। ठीक है, अब यहां से क्या है, एक तो ये एस क्यू, ठीक है, और एक और लाइन है हमारे पास, दैट इज क्यू आर, ये तो एस क्यू है। ठीक है, दूसरी कौन सी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एक देखिए ये आ रही है हमारी क्यू आर, ये है हमारी क्यू आर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। बात क्या है कि हमें किस चीज का यूज करना है। ठीक है, अब अगर मैं चलिए इसको क्यू एस को यूज भी करती हूं तो इस ये एंगल ऑलरेडी अननोन है, और हमें पता है कि पैरेलल लाइंस में जब ट्रांसवर्सल लाइन हमारी कट करती है तो मुझे मिलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट इसका और इसका कोई यूज नहीं है। बट अगर मैं क्यू आर को कंसिडर करती हूं, ठीक है, तो ये जो कंप्लीट एंगल है पूरा, ये जो पूरा एंगल है ये इसके इक्वल आएगा, और ये जो पूरा एंगल है ये 28 और x इस तरीके से डिवाइड करके हमें गिवन है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए मैं ऐसे करती, ये आपका x हो जाता और यहाँ, बट देर इज नो यूज ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का मेरे पास कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इस लाइन को क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। राइट, ऐसे नहीं उसे नहीं कर सकती ध्यान, बट आपको ये देखना है कि आपको x फाइंड आउट करना है, और x फाइंड आउट करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे क्या, इसमें आपको क्या लिखना है, इट इज गिवन दैट That is PQ is parallel to SR. देखिए मैंने जो given था उसका use किया, and QR is a transversal line. अगर ये मेरे पास कोई transversal line है तो ये जो complete addition का angle है, it means 28 छोड़िए, पहले complete angle लेते हैं PQR. पी क्यू आर, और यहां से क्या हो जाएगा, क्यू आर टी, और यहां पे अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको बताना है कि ये रिजल्ट कौन सा है, दैट इज अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, ये आपके क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। नाउ दैट इज योर एक्स प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री, तो यहां से आपका एक्स आ जाएगा 37 डिग्री। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। एक चीज तो हो गई हमारी फाइंड आउट। अब बात करते हैं इस एंगल की। मैंने आपको बोला था जब भी ट्रायंगल में आपको दो चीजें पता चल जाएं उसके बाद तीसरी निकालनी है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब ये देखिए जो एंगल पी क्यू एस है ये अपने आप में एक ट्रायंगल है, ये है ना। अब मुझे एक्स पता चल गया है और ये मुझे गिवन है कि जो पी क्यू है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन पी एस, तो मेरा जो ये एंगल है ये कितने का है, 90 डिग्री का। और मुझे वाई निकालना है, एक 90 डिग्री है एक 37 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल एस पी क्यू वी ऑब्टेन ट्रायंगल एस पी क्यू प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एस पी क्यू कितने का है, 90 डिग्री का। आप यहां लिख सकते हैं अगर आप बताना चाहें तो सेपरेटली एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां लिख दीजिए पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी एस एंड दैट थिंग इज गिवन टू यू, ये आपको गिवन है। 90 डिग्री प्लस एक्स कितना आया, 37 डिग्री प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, राइट। तो यहां से वाई आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री विच इज इक्वल टू 53 डिग्री, ठीक है। तो आपकी जो एक्स है इसकी वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री और जो वाई है उसकी वैल्यू हो जाएगी 53 डिग्री, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट, यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए रिजल्ट मैंने नॉर्मल यूज किए हैं बिल्कुल, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बस मुझे ये देखना है कि मुझे कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या यूज की मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट वन इज ऑल्सो ईजी, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।